यस मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसा, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, सहाचार्य इतिहास। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य या कारण। महमूद गजनवी जिसने भारत पर जो आक्रमण किया वो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक उसका जो आक्रमणों का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ उसकी आज हम यह बात करेंगे कि किस तरीके से उसने भारत की जो उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं थी उन सीमाओं को पार करने के पश्चात वो धीरे धीरे भारत के अंदर घुसा और भारत के ना केवल प्रमुख नगरों को उसने लूटा बल्कि इन नगरों के अंदर जो प्रमुख मंदिर थे उन मंदिरों के अंदर रखी हुई प्रतिमाओं को ना केवल उसने ध्वस्त किया बल्कि इन मंदिरों के अंदर जो अथाह धन था, जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को भी उसने लूटा और लूटने के पश्चात वो यहां से चला गया। महमूद गजनवी जिसके आक्रमण का सिलसिला 1000 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले सवाल यही खड़ा होता है कि महमूद गजनवी भारत पर जो उसने आक्रमण किया, हिंदुस्तान पर जो उसने आक्रमण किया, उस आक्रमण के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या वो भारत में इस्लामिक राज स्थापित करना चाहता था या भारत से केवल लूटपाट करके ही वो अपने प्रदेश को वापस चला जाना चाहता था या भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था? यहां इतिहासकारों के अलग अलग मत यहां प्रतिपादित होते हैं लेकिन इन आक्रमणों के दौरान उसके द्वारा जो किए गए कार्य थे उन कार्यों से ही हमें इस बात का अंदेशा या इस बात का पता सही रूप से लगाया जा सकता है कि आखिर उसने भारत पर आक्रमण जो किया उस आक्रमण के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। गजनी एक जो कि एक छोटा सा प्रदेश है, गजनी, यहां गजनी जो कि ख्वारिज्म और गौर प्रदेश के निकट एक राज्य है, इस राज्य से वो निकल करके जब 1000 ईस्वी के अंदर उसने लंगान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है हिंदुस्तान की सीमा पर, इस क्षेत्र पर जो उसने आक्रमण किया और उस आक्रमण के पश्चात उसने एक साल के अंदर ही वह सिंध और मुल्तान ही नहीं बल्कि उसने यहां पंजाब में भी एक तरीके से अपना राज्य स्थापित करने की यहां कोशिश की। इसी क्षेत्र से वो आगे बढ़ता हुआ हम देखते हैं कि वो कन्नौज की तरफ बढ़ा। कन्नौज और मथुरा इन दोनों राज्यों को भी उसने लूटा और यहां खासकर 1006 के अंदर उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया और 1011 के अंदर उसने मथुरा पर आक्रमण किया। इन राज्यों को उसने जिस तरीके से लूटा, यहां जिस प्रकार की लूटपाट की, इससे यह स्पष्ट रूप से यहां जो बात सामने आती है कि महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो लूटपाट करके यहां से धन एकत्रित करना वो चाहता था। क्योंकि मथुरा के अंदर उसने जो आक्रमण किया, कहते हैं कि मथुरा में वृंदावन और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में जिस प्रकार की उसने लूटपाट की और यहां का जो तत्कालीन शासक था प्रतिहार वंशी 1018 के अंदर राज्यपाल जो कि यहां का शासक था वो एक तरीके से इसका सामना नहीं कर पाया और राजा राम जो कि चंदेल शासक था यहां थानेश्वर का वो भी एक तरीके से उसके आक्रमण का सामना नहीं कर पाया और ये दोनों के दोनों शासक भी एक तरीके से उसके आगे नतमस्तक हो गए। मथुरा, थानेश्वर और कन्नौज, कन्नौज के बारे में कहा जाता है कि कन्नौज के अंदर जो चक्र स्वामी का मंदिर था, विष्णु का जो मंदिर प्रसिद्ध मंदिर था, उस मंदिर को भी इसने ना केवल तोड़ा बल्कि इसके अंदर जो धन था उस धन को लूट करके भी वो चला गया। इन दोनों राज्यों को जीतने के पश्चात अब उसका सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था 1025 के अंदर सोमनाथ पर आक्रमण। 1025 में उसने जो सोमनाथ पर आक्रमण किया, इस आक्रमण के बारे में कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी 1024 के अंदर गजनी से अपनी सेना लेकर के सोमनाथ की ओर आगे बढ़ा तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यहां के लोगों ने और सोमनाथ मंदिर के अंदर जो पुजारी थे उन पुजारियों ने एक भविष्यवाणी कर दी कि उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, उनकी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे। इस बात का पता जब महमूद गजनवी को लगा तो महमूद गजनवी क्रोधित होकर के नहीं वो इस राज्य की ओर आगे बढ़ा। जैसा कि उल्लेखित है कि 1024 में जब वो सेना लेकर के नहीं आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो
सोमनाथ की सीमा में उसने प्रवेश किया, उसी समय यहां का तत्कालिक शासक जो कि भीमदेव था वो राजधानी छोड़कर के भाग गया। राजधानी छोड़कर भाग जाने के पश्चात यहां देखते हैं कि सोमनाथ का जो मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर था, इस मंदिर की एक सबसे बड़ी जो खूबी थी जिसका जिक्र यहां हबीब साहब ने भी किया है अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर, और एल श्रीवास्तव साहब ने जिस प्रकार से इसका वर्णन किया है उस वर्णन को मैं यहां बताना चाहूंगा कि कहा जाता है कि इसके अंदर जो शिवलिंग था वो शिवलिंग बिना किसी सहारे के मंदिर के अंदर टिका हुआ था, रखा हुआ था। और ये एक आश्चर्यचकित एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी को आश्चर्य में डालने वाले एक तरीके से दृश्य था। जैसे महमूद गजनवी अंदर मंदिर की तरफ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि मंदिर के ऊपर जो एक गुंबद है उस गुंबद के अंदर एक जो पत्थर लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं वो पत्थर उस शिवलिंग को रोके हुए है। उसने उस पत्थर को तोड़ा, उस पत्थर को तोड़ते ही वो शिवलिंग जमीन पर गिर गया। गिरने के पश्चात उसके जो टुकड़े हुए, जैसा कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उस शिवलिंग के टुकड़ों को उसने कसाईयों को मांस बेचने के लिए और कुछ ने मक्का और मदीना की जो मस्जिद की जो सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों में लगाने के लिए दे दिए। तो कहने का मतलब कि जिस तरीके से उसने मूर्तियों को विध्वंस किया, और ना केवल मूर्तियों को विध्वंस किया, हिंदुस्तान के आक्रमणों में सर्वाधिक जो धन की प्राप्ति महमूद गजनवी को हुई वो इसी मंदिर से हुई। कहते हैं कि महमूद गजनवी के पास में जितने भी ऊंट थे, जितने भी घोड़े थे, या जितने भी उसके पास में यातायात के साधन थे, उन सभी में वो भर करके यहां से जो इस मंदिर से उसे जो सोना वो जो धन प्राप्त हुआ उसको वो लेकर चला गया, और उसके बाद में भी संपत्ति या धन बच गया था। कहने का मतलब कि 1025 के अंदर जो सोमनाथ पर उसके द्वारा जो आक्रमण किया गया ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। निश्चित रूप से 1025 के अंदर ये आक्रमण किया, और 1025 के बाद में उसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 के अंदर सिंध में जाटों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह को दबाने के लिए उसके द्वारा ये अंतिम आक्रमण किया गया। तो हमने यहां पर उसके द्वारा जो किए गए आक्रमण के जो प्रमुख स्थल थे उनकी यहां बात की। अब हमारी यहां जो चर्चा है वो इस बात पर है कि महमूद गजनवी का भारत पर या हिंदुस्तान पर जो आक्रमण करने के पीछे जो मकसद था, वो उद्देश्य था, क्या वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था, क्या भारत में केवल वो एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता था, या धन लूटना ही उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। यहां विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए, लेकिन सबसे पहली बात हम करें कि वास्तव में उसका उद्देश्य जो था, उल उत्बी जिसने तारीख यामनी लिखा है, तारीख यामनी का लेखक उल उत्बी इस बात का उल्लेख करता है, इस बात का उल्लेख करता है कि भारत में महमूद गजनवी का जो आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना उसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जब उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो उस योजना के अंतर्गत उसने जितने भी उसके मंत्री थे उन सभी मंत्रियों को बुलाया और उन सभी के समक्ष उसने ये प्रस्ताव रखा कि मैं इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, और यहीं पर उसने जिहाद का नारा दिया। तो यहां समकालीन इतिहासकार के द्वारा जो बात कही गई है उसके आधार पर तो यह बात स्पष्ट होती है कि भारत पर आक्रमण करने के पीछे उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। और उसके द्वारा जो आक्रमण किए गए जिन मंदिरों को उसने ढाया, मंदिरों को के अंदर जितनी भी मूर्तियां रखी थी उन मूर्तियों को उसने तोड़ा, इस बात से स्पष्ट है कि वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। लेकिन दूसरी ओर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हबीब साहब इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि महमूद गजनवी का आक्रमण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना बेशक रहा होगा, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था भारत से धन प्राप्त करना। और वो महमूद गजनवी के यहां चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया और उन आक्रमण के दौरान उसे जहां जहां से भी धन प्राप्त हुआ उस धन को लेकर के नहीं वो अपने प्रदेश गजनी प्रदेश चला गया।